आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज हम लोग प्रकाश का जो परावर्तन है इसके आंकिक प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आंकिक प्रश्न है इसको कैसे किया जाए। पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि आंकिक प्रश्न में जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन होती है यूवी का, उससे संबंधित बताया था, आवर्धन आपको बताया था, और फिर इसमें ये भी बताया था कि आवर्धन की क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। तो इस जो आंकिक प्रश्न है, इस आंकिक प्रश्न को पहले पढ़ करके हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक उत्तल दर्पण, तो एक उत्तल दर्पण है, तो आप थोड़ा सा इस आंकिक प्रश्न जब भी कीजिए प्रकाश में उसका थोड़ा सा एक ग्राफ बनाइए। तो उत्तल दर्पण मतलब एक इस तरह का दर्पण हो सकता है, ऐसा ये उत्तल दर्पण बन गया, रफली हमने बना लिया। अब ये उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस भी इधर होगा और जो आर है वो भी इधर होगा। अब यह एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु हरदम दर्पण के सामने रहता है। वस्तु यहाँ पर है और ये दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से ये समझ में आपको क्या आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है क्योंकि दर्पण के वो सामने रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब जब ये यहाँ पर है तो हमें मालूम है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सारे प्रतिबिंब इधर बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल दो पोजीशन होता है प्रतिबिंब का, एक फोकस और जो आपका ध्रुव के बीच में होता है, और एक दूसरा प्रतिबिंब होता है कि फोकस से बनता है। तो उत्तल दर्पण से ही हमें समझ में आ गया कि जो भी है, भी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर जो दिया है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो भी आपका पॉजिटिव होगा 12 सेंटीमीटर। फिर आपको बताएं यहाँ u हमने नेगेटिव ही पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि दर्पण के हरदम सामने हम लोग वस्तु को रखते हैं और जब भी दूरी दर्पण के सामने मेजरमेंट करते हैं, दर्पण से इधर करते हैं, तो वो ऋणात्मक होता है। जब दूरी हम इधर नापेंगे तो ऋणात्मक होगा और जब इससे दूरी इधर नापेंगे तो वो धनात्मक होगा। अब पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि उत्तल दर्पण में जितनी प्रतिबिंब बनती है, दो प्रतिबिंब बनती है और दोनों इधर बनती हैं, दर्पण के पीछे बनती है। तो दर्पण के पीछे बनती है इसका मतलब धनात्मक है, भी आपका धनात्मक हो गया। अब मिरर का, या आप कह सकते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f = 1/v + 1/u, क्योंकि हमको फोकस निकालना है। v का मान है हमारा 12 प्लस यू का मान है -20, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, एक बटे 12 माइनस 1/20। और अब इन दोनों का जो है लसा लेकर के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2/7 मतलब 1/30। अब देखिए f जो है वो 1/30 आया, तो f का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। f धनात्मक आ रहा है तो f धनात्मक ही बता रहा है कि इसका f दर्पण के इधर बन रहा है, इसलिए ये जो आंसर जो है आपका करेक्ट आया है। तो आज की क्लासेस में आपने समझा कि उत्तल दर्पण से संबंधित अगर आंकिक प्रश्न आते हैं तो आपको क्या समझ के कैसे करना है। अगली क्लासेस में हम लोग अवतल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न को लेकर के समझने का कोशिश करेंगे प्रकाश के परावर्तन में।